वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास शो बॉलीवुड गपशप और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त काजल नारायण। आपके एंटरटेनमेंट में आज लगने जा रहा है नया तड़का, तो हो जाइए तैयार देखने के लिए कि हॉट श्वेता तिवारी कैसी लग रही है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। निया शर्मा इंटीमेट हुई, देखिए कैसी चल रही है दीपिका की पाउड़ी। मलाइका ने हिलाई कमरिया और कैसे हुआ शनाय का वीडियो वायरल, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कसौटी जिंदगी से फेम पाने वाली टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी आजकल अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। फैंस भी उनके लुक्स की तारीफ करते नहीं थकते। श्वेता ने कड़ी मेहनत के जरिए खुद को फिट कर लिया है। इसके बाद श्वेता ने एक बोल्ड फोटोशूट भी कराया जिसकी कुछ फोटोज उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है जो काफी वायरल भी हो रही है। वहीं श्वेता के इस ट्रांसफॉर्मेशन पर उनके फैंस ही नहीं टीवी इंडस्ट्री के कई सेलेब्स ने भी उनकी तारीफ के पुल बांधे हैं। श्वेता की फोटो पर तो उनको को-स्टार फरमान खान ने कमेंट करते हुए लिखा कि बस करो सखी, ऐसे आग नहीं लगाते लोगों के दिलों में। टीवी इंडस्ट्री की बोल्ड एक्ट्रेस निया शर्मा ने अब वेब सीरीज का रुख कर लिया है। वेब सीरीज में निया के बोल्ड अवतार ने सभी को चौंका दिया। बेबाक एक्ट्रेस ने वेब सीरीज पर दिए बोल्ड सीन्स को लेकर खुलकर बात की है। निया ने कहा कि उन्हें सीन्स करने में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं हुई। टीवी शो जमाई राजा के वेब स्पिन ऑफ जमाई राजा 2.0 में अभिनेता रवि दुबे के साथ वो कई इंटीमेट सीन करते दिखी। निया ने कहा कि वो बाकी सबसे पहले OTT प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुकी थी, ये सीरीज काफी पहले ही चल गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हमेशा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक कदम आगे रहती है। हाल ही में दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पावरी हो रही है का मीम बनाकर शेयर किया है जो इंटरनेट पर लेटेस्ट ट्रेंड बना हुआ है। इससे पहले एक्टर शाहिद कपूर ने भी ऐसा मीम बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। कुछ ही घंटों पहले दीपिका पादुकोण ने खुद के बचपन की फोटो शेयर करते हुए लिखा, ये हम हैं, ये हमारा घोड़ा है और ये हमारी पावरी हो रही है। ठीक दीपिका पादुकोण से पहले एक्टर शाहिद कपूर ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक अलग अंदाज में वो फैंस का मनोरंजन करते हुए नजर आए। बॉलीवुड की मुन्नी यानी मलाइका अरोरा ने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन वो कितनी बेहतरीन डांसर है ये बात किसी से छिपी नहीं है। ट्रेन पर छैया छैया से लेकर मुन्नी बदनाम हुई तक ऐसे ढेरों गाने हैं जिसमें मलाइका ने इस हुनर को करीब से देखा जा सकता है। यही कारण है कि मलाइका डांसिंग शो भी जज करती नजर आती हैं। ऐसा ही एक शो है इंडिया बेस्ट डांसर, जिसमें एक बार मलाइका ने ही स्टेज पर ऐसा डांस किया कि हर कोई उन्हें बस देखता ही रह गया। उन्होंने फिल्म रामलीला के गाने पर ऐसा डांस किया कि हर कोई आंखें फाड़ कर उन्हें एक टक देखता ही रहा। शनाया कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन शनाया अपनी ग्लैमरस फोटो और वीडियो को शेयर करके अपने फैंस का मनोरंजन करती दिखाई देती हैं। हाल ही में शनाया अपने एक डांस वीडियो को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं, जिसमें वो शकीरा के गाने पर धमाकेदार बैली डांस करती दिखाई दे रही हैं। इस डांस वीडियो में शनाया के साथ उनके बैली डांस के टीचर भी उनका साथ देते हुए दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को अब तक 1 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। अपने इस बैली डांस वीडियो में शनाया ने ब्लैक आउटफिट को कैरी किया हुआ है। शेयर करते हुए शनाया कपूर ने लिखा है कि मैंने अपने इस बैली डांस वीडियो में 7 सेकंड तक सांस नहीं ली। और एंटरटेनमेंट की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।